हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्लूमिंग रोज एकेडमी। आज हिंदी का पहला दिन है जिसमें हम क्लास 10 का जो पहला लेक्चर है उसमें सबसे पहले उनको बता दें कि इसमें तीन बुकें लगती हैं। पहला होता है क्षितिज, दूसरा कृतिका और तीसरा हिंदी व्याकरण। जो पहला बुक है क्षितिज, क्षितिज का जो पहला चैप्टर है पद, सूरदास के पद, जिसमें हम सूरदास के पद पढ़ने से पहले सूरदास के बारे में जानेंगे। यानी कहने का मतलब है सूरदास का जीवन परिचय। तो सूरदास का जो जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में, संवत 1535 ईस्वी आचार्य राम चंद्र शुक्ल के इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार सूरदास का जन्म संवत 1535 ईस्वी में। ये कैसे होता है 1535 संभवतः और 1478 के बीच का जो है उसमें 57 वर्ष का अंतर होता है। इनका जन्म स्थान के संबंध में कई विद्वानों के अनुसार मतानुसार विभिन्नता के कारण कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म सिही, दिल्ली के पास सिही नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें वार्ता साहित्य के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी के अनुसार सूरदास का जन्म सिंह नामक स्थान पर हुआ था। कुछ विद्वानों के अनुसार जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनका जन्म रुनकता नामक स्थान पर हुआ था। इनका जो काल है भक्ति काल है, भक्ति काल के अंतर्गत सगुण धारा के किस भक्ति शाखा के कवि हैं, सूरदास जी किस भक्ति शाखा के कवि हैं। इनका जो मार्ग है पुष्टि मार्ग है, पुष्टि मार्ग इसलिए है कि जो सूरदास जी थे वो बल्लभ, इनके जो गुरु थे बल्भाचार्य, उनका जो मार्ग था पुष्टि मार्ग, उसी में ये दीक्षित हुए थे, तो इसलिए इनका जो मार्ग बना पुष्टि मार्ग। जो सूरदास का संप्रदाय है वो बल्लभ संप्रदाय है। इनके गुरु का नाम था बल्भाचार्य। इनके ग्रंथ तीन हैं, पहला है सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। सूरदास के बारे में एक और, सूरदास को अष्ट छाप कवि भी कहा जाता है। अष्ट छाप कवि, अष्ट छाप कवि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो आठ कवि, अष्ट माने आठ छाप, यानी आठ कवियों की जो श्रृंखला बनी थी उसमें जो सूरदास थे सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, जिसमें जो आठ कवि हैं, एक ट्रिक है कश्यप को चन, ये शॉर्ट ट्रिक है जिससे क का मतलब है कुंभनदास, जो स से है सूरदास, प से है परमानंद दास, क से है कृष्णदास, गो से है गोविंद दास, छ से है चित्त स्वामी, च से है चतुर्भुज दास, नौ से है नंददास। यही जो आठ कवि यहाँ दिख रहे हैं, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद दास, चित्त स्वामी, चित्तभूदास और नंददास, ये आठ छाप कवियों कवि हैं, जिसमें सूरदास सबसे उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कहते हैं कि जो कृष्ण की बाल लीला का जो वर्णन जितना अच्छे ढंग से सूरदास ने किया, अन्यत्र किस भक्ति शाखा के किसी कवि ने नहीं किया है। कहते हैं कि इसके साथ ही साथ देखा जाए तो कुंभनदास जी का जन्म देख लिया जाए तो 1468 ईस्वी, एक ट्रिक के साथ सूरदास जी का देखा जाए तो 1478, परमानंद दास जी का 1493,
कृष्णदास जी का 1496, गोविंद दास जी का 1505, चित स्वामी का 1515, चतुर्भुजदास जी का 1530 और नंददास जी का 1533, ये इनके जन्म हैं। इसी के साथ साथ यदि देखा जाए तो इनकी मृत्यु भी बड़े अच्छे ढंग से देखा जा सकता है। 1583 यानी सूरदास जी का जो मृत्यु हुआ था 1583 ईस्वी में, इनके परमानंद जी की मृत्यु का पता नहीं है। फिर नीचे से यदि हम देखा जाए तो ये नंददास जी का भी 1583 ईस्वी, फिर नीचे से यदि ऊपर आए तो चतुर्भुजदास जी का जो मृत्यु हुआ है 1585, चित स्वामी की भी मृत्यु हुई थी 1585 और गोविंद स्वामी का जो मृत्यु हुआ था 1585। और किस दास जी की भी जन्म के मृत्यु के बारे में नहीं पता है, तो सूरदास जी के बारे में ये जानना था कि ये अष्टछाप कवियों में है, अष्टछाप में कौन कौन से कवि आते हैं ये इनके बारे में मैंने यहाँ बता दिया, जो कि ये आपके लिए नहीं है, फिर भी अष्टछाप की यदि जिक्र किया जाता है तो जानना जरूरी होता है कि वो अष्टछाप कवियों में कौन कौन से कवि आते हैं। थैंक यू। आज हम सूरदास जी के बारे में जाने, अगले जो क्लास होगी, जो लेक्चर होगा, उसमें सूरदास जी के पद के बारे में पढ़ा जाएगा। थैंक यू क्लास।